नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में, और 35 रुपये के आसपास इसने अपना प्राइस क्लोज किया है शुक्रवार को, और 0.5% की गिरावट हुई है। आज इसमें एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनके थोड़ा सा बदलाव हुआ है। प्रमोटर हिस्सेदारी बेच रहे हैं और एफआईआई जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये दो अपडेट आया है, उसको हम लोग देखेंगे, और बाकी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। अभी रिजल्ट डेट, आप लोग पूछोगे कि रिजल्ट डेट कब है, तो अभी रिजल्ट डेट भी नहीं आया है। रिजल्ट डेट आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, ये मेरे साइड से गारंटी रहेगा। और देख लीजिएगा, ऑफिशियल अपडेट कंपनी की तरफ से 20 अप्रैल 2024 को आया था, उसके पहले 15 अप्रैल को आया था। तो अप्रैल में दो ही अपडेट आया है, दो दिन, 15 अप्रैल को आया था, सॉरी 5 अप्रैल को आया था, 15 अप्रैल को आया था, 20 अप्रैल को। इन 3 डेट के बाद अप्रैल में कोई भी अपडेट नया वाला नहीं आया है, तो ये आप लोग इसको हकीकत में जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का आज टोटल, मतलब पिछले दिन टोटल ट्रेडेड वैल्यू है 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे शुक्रवार को, और टोटल वैल्यू जो बन रही है 38 करोड़ रुपये बन रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 36% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। 36% डिलीवरी परसेंटेज का मतलब हो गया कि वही, मतलब 38 करोड़ में से 10-12 करोड़ रुपये के शेयर जो है वो डिलीवरी में खरीदे गए हैं। अभी देखेंगे तो शेयर एसएमएसएम लिस्ट से सबसे बाहर आ चुका है, बाहर है, कोई उस वैसा दिक्कत है नहीं। बात करेंगे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में मतलब प्रमोटर की होल्डिंग घटी है, और प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 28.13% के आसपास थी, जो घट के अब 27.43% हो चुकी है। तो कम हो गई है, लगभग 1% तो नहीं कहेंगे, 1% से थोड़ा कम ही कम हो गई है। वहीं पे अगर एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो बढ़ गई है, 6.31% से बढ़ के 7.51% हो चुकी है। पहले जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, अब शेयर होल्डर भी बढ़ गए हैं। पहले 5,06,308 शेयर होल्डर थे, लेकिन अब अगर देखेंगे आप लोग तो 8,87,893 शेयर होल्डर हो गए। मतलब शेयर होल्डर में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, मतलब शेयर जो है बहुत सारे लोगों में बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा रहते हैं ना, तो उसका कोई डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कई सारा बेनिफिट होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही उनके पास छोटी छोटी क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है ना। मतलब अगर जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इस कंपनी के पास हैं वो उसमें हम लोग 5 लाख से भाग देंगे, तो एक शेयर होल्डर के हक में कितना आ रहा है, एक शेयर होल्डर के पीछे कितना शेयर आ रहा है, उसी को अगर हम लोग 8,85,000 से 87,000 से आप लोग भाग दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर में, तो एक शेयर होल्डर के हिस्से में कम शेयर पड़ेगा। भले ही कोई 1-2 लाख शेयर खरीद के बैठा हो करोड़, उससे मतलब नहीं, मतलब एक हिस्सा वाली बात होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी, ज़्यादा जो है प्राइस मोमेंटम अच्छे से कर पाएगा। कोई सोचेगा कि बेचो, कोई सोचेगा खरीदो, कोई सोचेगा एवरेज करो, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बंदे हैं ना कोई एवरेज करना शुरू कर देगा, नया खरीदारी करना शुरू कर, तो इस तरह से होता है। तो देख लीजिएगा, एक अपडेट इसमें आया है, और अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस अगर इसका हम लोग देखेंगे तो 10 स्ट्रेंथ, 2 वीकनेस, 3 दो अपॉर्चुनिटी और 5 थ्रेड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। 56% क्राइटेरिया कंपनी फिल कर रहा है। टेक्निकल ट्रेंड इसका बेरिस बताया जा रहा है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी जो है स्ट्रांग देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। अगर इसका हम लोग फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, तो फंडामेंटल यहाँ पे देखिए, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 35 रुपया इसका करेंट प्राइस है, 42.50 रुपया का हाई है और 13 रुपया का लो है। पी रेशियो थोड़ा सा इस शेयर का ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है अपने इंडस्ट्री के मुकाबले, 37 का इसका जो है इंडस्ट्री का पी है, और इसका जो है 67 का पी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है, सॉरी बुक वैल्यू इसका जो है 11.60 रुपये है, ये अच्छा है। डिविडेंड मामूली सा कंपनी देती है। आरओ इसका जो है सही नहीं है, 4% केवल है। डेट फ्री कंपनी है, तो इस पर आप लोग फोकस कर सकते हो। 2900 करोड़ का रिजर्व भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 7.5% के आसपास की है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो 85%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो 5%, इस साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो 84% बढ़ा है, और इस साल का प्रॉफिट जो है 51% 15% बढ़ा है। तो ये इसका फंडामेंटल है।
दोस्तों शेयर सही है, शानदार है, इस पे आप लोग अगर अभी तक खरीदारी नहीं किए हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत परेशानी है तो 3300 रुपये के नीचे का आप लोग छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप लोगों को परफेक्ट कोई स्टॉप लॉस चाहिए तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, 30 रुपये का लेबल है, 30 रुपये 29 रुपये का लेबल है। जब तक इसके नीचे डेली कैंडल जाके क्लोज नहीं कर देता है तब तक हम लोग सेलिंग इसमें नहीं करेंगे। जो भी भाई 1-2 वीक छोड़ के 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल का आप लोग व्यू लेके चले हो तो ये आप लोगों के लिए 29 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। टारगेट की बात करेंगे तो पहले तो रेजिस्टेंस एक बनेगा, ये टारगेट नहीं है, 40 रुपये का रेजिस्टेंस है। बाकी टारगेट की बात करेंगे तो 47 रुपये और 55 रुपये दो ऊपर का टारगेट देखने के लिए लोगों को मिलेगा भविष्य में, तो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी करना है, अभी व्यू पॉजिटिव है, 50 DMA मूविंग एवरेज भी सेम उसी लेवल पे है, तो देखते हैं। नेगेटिव क्रॉसओवर तो हुआ है लेकिन उसका उतना ज़्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। RSI भी चलिए 50 के नीचे ही है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, RSI में भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, 45 तक RSI भी संभाल देगा, RSI में उतना ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, तो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।